आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनी फूड। आज हम जेनी फूड में मसाला डोसा बनाएंगे। मसाला डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 बॉईल आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज़ हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच नींबू का सत। कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल रखेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें राई जीरा डालेंगे और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और प्याज भी डाल देंगे और इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बॉईल किए हुए आलू डालेंगे और 1 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। मसाला डोसा के लिए ये स्टफिंग तैयार है। अब हम डोसा बनाएंगे। डोसा बैटर कैसे बनाना है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। डोसा बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर अलग से बाउल में ले लेंगे। सभी बैटर में एक साथ नमक नहीं डालना चाहिए, नहीं तो बैटर पतला हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप नमक टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं हमें बैटर इसी तरह का चाहिए, हमें ना ही तो इससे ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा चाहिए। पहले डोसे तवे को अच्छे से गर्म करेंगे फुल आंच पे। तवा गर्म हो गया है, इस पे पानी के छींटे डालेंगे और इसे कपड़े से पोंछ लेंगे और गैस की फ्लेम भी कम कर देंगे क्योंकि गरम तवे पर डोसा नहीं बनता है, और इसे कटोरी की सहायता से फैला देंगे। डोसा बैटर फैलाने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे अब इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और तवे को हिलाते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। अब इस पर आलू का मसाला रखेंगे और इसे फैला देंगे और नीचे से डोसा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, अब हम डोसे को हाफ फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी डोसे को हाफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा डोसा तैयार है। आप डोसे को नारियल की चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ खा सकते हैं। आपको नारियल की चटनी की रेसिपी देखनी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, नारियल की चटनी बनाना भी बताऊंगी। और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।